ये है हमारी 2 किलो कैरियाँ, इनको हमने अच्छी तरह धोना है और ये इसके अंदर का जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। ये सब हमने बीज इसके निकाल लिए हैं, इसको हम ज़ाया कर देंगे, ये इस्तेमाल में नहीं आएंगे। अच्छा, इसका हमने सब बीज निकाल दिए हैं। अच्छा, बचपन में हम इसको बिजली कहते थे, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। बस अब हम इन्हें सुखा के खुशक कर लेंगे। कैरियाँ हो गई हैं हमारी अच्छी तरह से वॉश, साफ़ सुथरी हो गई हैं। इसमें लगाएंगे नमक, नमक 2 टेबलस्पून, हल्दी भी 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से लगा के मिक्स करके हम रख देंगे सारी रात के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, नीचे ऊपर से सब तरफ नमक और हल्दी लग जाए, और फिर इसको हम रख देंगे सारी रात के लिए हवा के अंदर। सारी कैरियों को एक कढ़ाई में डालेंगे, उसके अंदर हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो सरसों का तेल को गरम करके पका के ठंडा करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तकरीबन जाएगा 1/2 किलो ऑयल, ये 2 किलो कैरियाँ हैं। ये इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून नमक, अचार का मसाला, सौंफ और धनिया कुटा हुआ, कलौंजी, मेथी दाना। इन सब चीज़ों को करेंगे हम मिक्स और इसको रख देंगे हम अपने चूल्हे पर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ऑयल और मसाला सब मिक्स हो जाए, फिर हम इसको चूल्हे पर रखेंगे।
हमने चूल्हे पर रखा, अच्छी तरह से पकाया। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्ची। बस हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे। चूल्हा हो गया था बंद हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह से अचार हमारा है रेडी।